हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का वन शॉट वीडियो प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन एंड चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। स्टार्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान से देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन फोर में से। ऑप्शन ए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्या ये सही है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। इन्होंने कहा डू नॉट फॉर्म। ध्यान रखना, एक वर्ड से इधर उधर हो जाता है। डू नॉट फॉर्म बल्कि सही होना चाहिए तब जब ये नॉट हटा देते। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, तो ये करेक्ट तो नहीं है। हमें करेक्ट देखना है, करेक्ट देखना है, ठीक है। बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। ये भी गलत है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आपका साउथ टू नॉर्थ है, बाहर नॉर्थ टू साउथ है, तो ये भी गलत है। C, the tangent at any point on the magnetic field lines represents the direction of magnetic field at that point. बिल्कुल सही, ये ऑप्शन आपका C तो सही है और हमें एक ही ऑप्शन इसमें करेक्ट मिलेगा। फिर भी D देख लेते हैं। टू magnetic field lines में इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, यानी ये भी रॉन्ग है, A भी रॉन्ग है, B भी एंड D। ऑप्शन C इज करेक्ट, तो हमें करेक्ट फाइंड करना था। ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, अ बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M. इट्स इनिशियल पोजिशन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। इन दिस पोजिशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट रिस्पेक्टिवली। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मीन्स यहाँ पर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो टाउ जीरो, और वैसे भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायपोल पे जो नेट फोर्स लगता है वो जीरो होता है, यानी टाउ भी जीरो है और एफ भी जीरो है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। A short bar magnet plays with its axis at 30 degree with uniform magnetic field. 0.16 Tesla is magnetic field given. Experiences a torque of magnitude 0.032 joule या न्यूटन मीटर. The magnetic moment of the bar magnet will be m. find करना है, and formula is tau is equal to वेक्टर फॉर्म में m क्रॉस b. And in terms of magnitude, tau is equal to mb sin theta, and theta is the angle between m and b. ठीक है, और m वेक्टर की जो डायरेक्शन along the axis होती है and south to north की तरफ। yes, तो हमें given क्या है, angle 30 degree given है, tau की value भी given है 0.032 given है, m find करना है and b is also given 0.16 टेस्ला एंड साइन थीटा इज साइन 30. ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं 0.032 इक्वल टू एम इंटू 0.16 साइन 30 1/2 मीन्स एम इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 0.032 और ये 0.16 अपॉन 2 0.08 एंड व्हाट यू गेट, आपको m की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन में आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि आपको मिलेगा यहाँ पर 0.4 32 और 8 देख रहे हैं आप, और डेसिमल के अकॉर्डिंग काउंट कर ले। 0.40 जूल पर टेस्ला क्या यूनिट होती है, या न्यूट या एम्पीयर मीटर स्क्वायर। तो एम्पीयर मीटर स्क्वायर तो NIA से, बट आपका जूल पर टेस्ला यहाँ से भी हो सकता है, क्योंकि ये इसको न्यूटन मीटर कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हो, ये टेस्ला। तो जूल पर टेस्ला, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, निकल सोर्स यस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, आयरन निकल कोबाल्ट। तो यस, निकल सोर्स फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर। ओके, इस रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर आप देखें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो लास्ट टॉपिक है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर देन इट विल शो। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, हमें पता है कि टेम्परेचर के साथ जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। सेम पैरामैग्नेटिक के साथ भी है, तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, टेम्परेचर के इन्वर्सली होती है। तो क्या इन्होंने कहा कि जो क्यूरी टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ अ टेम्परेचर जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरा। ठीक है, तो यस आप इसके अकॉर्डिंग आंसर बता सकते हैं कि निकल फेरो है एंड बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर इट बिकम वट पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। नाउ नेक्स्ट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि आपको डायरेक्शन पता है कि ए ऑप्शन तब सेलेक्ट करना है इफ बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बी ऑप्शन तब सेलेक्ट करना है जब असर्शन रीजन करेक्ट हो बट रीजन सही एक्सप्लेनेशन ना हो। एंड सी इफ असर्शन इज करेक्ट रीजन इज इनकरेक्ट। और डी जब असर्शन रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। तो यस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे असर्शन रीजन। तो फर्स्ट असर्शन है द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। यस करेक्ट, हम अगर बार मैग्नेट को कट करके सेपरेट करने की कोशिश करें जैसे कि मैंने थ्योरी में बताया, और थ्योरी वाली वीडियो आप पहले देख लेंगे अच्छे से और फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो बार मैग्नेट को अगर हम कट करें और सोचें कि हम उसको ट्रांसवर्सली उसके लेंस के कट करें और सेपरेट करने की कोशिश करें नॉर्थ एंड साउथ, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक नॉर्थ की तरफ साउथ जनरेट होगा और साउथ वाले पार्ट की तरफ दूसरी तरफ नॉर्थ जनरेट होगा। तो ये पॉसिबल तो नहीं है, यानी कि पोल्स ऑफ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये तो असर्शन सही है कि सेपरेट नहीं कर सकते, ये तो सही है। रीज़न मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, सही करेक्ट है, मोनोपोल एग्जिस्ट करता नहीं है। आपने कट करके सेपरेट किया, ऑटोमेटिक नॉर्थ साउथ, नॉर्थ है तो दूसरी तरफ साउथ हो जाएगा, साउथ है दूसरी तरफ नॉर्थ हो जाएगा, यानी एक्सप्लेनेशन भी सही है। और ऑप्शन ए आपका यहाँ पर लिखना है, ऑप्शन ए यानी असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। नाउ 6.1 द पोल्स ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ब्रेकिंग इट इनटू टू पीसेस। अगेन वही चीज़ कि अगर हम ब्रेक करें और सेपरेट करें तो सेपरेट नहीं होता, सही है। रीज़न द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी रिड्यूस टू हाफ व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल पीसेस। यस मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हाफ हो जाता है, चाहे वो ट्रांसवर्सली कट करें या लेंथ वाइज, तो वो हाफ हो जाता है। असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीज़न ने सही एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसके लिए ऑप्शन बी आप लिखेंगे। ओके, इसके लिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 फॉलोइंग फिगर्स शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये कॉन्फ़िगरेशन है। ईच मैग्नेट हैज़ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच कॉन्फ़िगरेशन हैज़ हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। नेट क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक का m1 है एक का m2 है, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो m वेक्टर जो होगा m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर होगा। यानी कि इस सिस्टम की बात करें तो यहाँ जो m वेक्टर होगा m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर होगा, और इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड जो m होगा अंडर रूट में m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 कॉस एंगल क्या है m1 m2 के बीच में उस पर डिपेंड करेगा। यानी एंगल देखो, ओरिएंटेशन देखना है आपको। तो फिलहाल अगर m1 m2 सेम भी मान लेते हैं, ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। ओरिएंटेशन देखो थीटा 90 के लिए क्या हो जाएगा, m1 m2 सेम है तो रूट 2 टाइम्स आ जाएगा। इसमें देखो आप अपोजिट डायरेक्शन में 180 कैंसिल हो गया, माइनस हो रहा है, ठीक है, एंड ये 30 और ये 60। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कॉस थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होना चाहिए। तो आप अगर फर्स्ट डायग्राम देखें, और मैं कह रहा हूँ कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, यस m1 m2 इक्वल मानते हुए, तो ये आपको मिलेगा रूट 2 टाइम्स ऑफ m मिलेगा। जबकि सेकंड वाले में आपको मिलेगा यस m नेट क्या मिलेगा, अगर इक्वल है तो m माइनस m अपोजिट है, साउथ टू नॉर्थ इसका इधर है इसका इधर है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट। एंड थर्ड का क्या आएगा, यस 60 डिग्री है तो आप वैल्यू रख सकते हैं, m नेट की वैल्यू क्या आएगी इस केस में, m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर 2m का स्क्वायर कॉस 30 डिग्री है यहाँ पर, कॉस 30 डिग्री रूट 3/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कुछ मिलेगी 2m का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, प्लस रूट 3 टाइम्स ऑफ m का स्क्वायर, तो ये भी कुछ वैल्यू मिल रही है। नाउ 4th 1 आप 60 डिग्री रख के देखेंगे तो m नेट की वैल्यू जो मिलेगी आपको अंडर रूट में m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर 2m का स्क्वायर कॉस 61/2, तो ये आपको रूट 3 टाइम्स ऑफ m मिलेगा। तो हमको बताना है कि हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो कौन से केस में होगा। तो कॉस आप देख सकते हो इसमें 2 प्लस रूट 3 टाइम्स, ठीक है, रूट में है, और ये आपको रूट में 2 प्लस √3 टाइम्स ऑफ m, और ये जबकि √3 है तो आपको इस केस में थर्ड वाले केस में हाईएस्ट मिलेगा या फर्स्ट वाले में हाईएस्ट मिलेगा। आप देख सकते हो थर्ड वाले में हाईएस्ट मिल रहा है ना, तो ये थर्ड वाले केस में हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, 30 डिग्री के केस में होगा। ओके, नेक्स्ट, देयर आर 4 वेट रॉड सैम्पल्स ए बी सी एंड डी सेपरेटली सस्पेंडेड बाय द थ्रेड। A bar magnet is slowly brought near each sample and the following observations are noted। ठीक है, तो A B C D ये 4 सैम्पल हैं। अब देखते हैं क्या है, उसके मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जा रहे हैं। तो A is feebly repelled, A ने रिपल्सन फील किया उस बार मैग्नेट के नियर बाय ले गए। तो B is feebly attracted, C is strongly attracted and D remains unaffected। तो हमें यस मैग्नेटिक मटेरियल में डाई पैरा फेरो का कंसेप्ट पता होना चाहिए और उससे आइडिया लग जाएगा। तो फीबली रिपेल है तो इसका मतलब ए जो होना चाहिए वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, फीबली अट्रैक्टेड है तो बी पैरा होना चाहिए, और स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो वो फेरो होना चाहिए, और अगर नहीं चेंज आ रहा तो वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सी इज डायमैग्नेटिक मटेरियल जबकि स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, होना चाहिए फेरो, ये गलत है। डी इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये भी गलत है क्योंकि फोर्स स्ट्रांगली लगेगा। A इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, फीबली रिपेल है, ये भी रॉन्ग। B इज पैरामैग्नेटिक, यस फीबली अट्रैक्टेड, यानी कि यस ऑप्शन D इज करेक्ट, हमारा D ऑप्शन करेक्ट, यानी B सही मेंशन है कि B इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 9, अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो फीबली रिपेल होते हैं, तो ऐसे मटेरियल आपके जो है वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से अवे जाने की कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्गर से कहाँ जाएंगे, जहाँ वो वीकर मैग्नेटिक फील्ड हो। तो ऑप्शन देख सकते हो, फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड होगा। क्लियर। द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट कैसे मेजर करेंगे, तो आपके पास फॉर्मूला है उसी से मेजर करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू यस डायपोल लेंथ। इसकी यूनिट हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इसकी यूनिट m इक्वल टू NIA से फाइंड किया था हमने, एंड दैट इज इसकी यूनिट आ गई थी मैग्नेटिक मोमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गई तो m की यानी इस पोल स्ट्रेंथ की क्या यूनिट होगी, तो पोल स्ट्रेंथ जो हमारा स्मॉल m है पोल स्ट्रेंथ, और 12 की मीटर है, तो आप देख सकते हो कि जो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होगी वो क्या होगी, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होगी वो एम्पियर मीटर होगी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फॉर्मूले से ही हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैग्नेट ऑफ लेंथ l मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल आर्क। ठीक है, तो पहले कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस तरीके से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये लेंथ l है, मैग्नेट ऑफ लेंथ l, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो कैपिटल m है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो पोल स्ट्रेंथ m इंटू यस ये डायपोल लेंथ l। नाउ इट इज़ बेंट इन अ सेमी सर्कल, अब इसको सेमी सर्कल बना दिया गया इस तरीके से, सेमी सर्कल फॉर्म कर दिया गया इसी मैग्नेट को। अब नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, ये है डिस्टेंस जो कि सेमी सर्कल का डायमीटर भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस केस में एम डैश क्या हो जाएगा, तो बेंड करने से पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा m, बट डायपोल लेंथ जो होगा वो नॉर्थ एंड साउथ का डिस्टेंस है और वो m इंटू डी हो गया। तो ये m डैश का फॉर्मूला, ये m का अब रिलेट कर दो आप, तो रिलेशन के लिए हमें थोड़ा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट यूज़ करना है कि जो लेंथ है उसी से बनाया गया है, तो हमें पता है कि जो लेंथ है वो सेमी सर्कल यानी पाई r, और r रेडियस क्या होता है, रेडियस आपका डायमीटर का हाफ होता है, तो L इज इक्वल टू पाई d बाई 2, तो दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 बाई पाई टाइम्स ऑफ L, तो वैल्यू रख देते हैं, दिस इम्प्लाइज m डैश इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2 बाई पाई टाइम्स ऑफ L, और आप इसमें 2 बाई पाई इस तरीके से बाहर रख सकते हो, और m इंटू L क्या है, m इंटू L जो ओरिजिनल डायपोल मोमेंट था, तो यानी कि हमारा जो आया वो 2 कैपिटल M बाय पाई, और ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, A bar magnet of magnetic moment capital M is placed in a magnetic field of induction B. The torque exerted on it is, yes, वेक्टर फॉर्म में क्या m डॉट b होता है टाउ, या माइनस में m डॉट b होता है, या m क्रॉस b होता है, या माइनस में m क्रॉस b होता है. तो आपको फॉर्मूला पता है, m क्रॉस b होता है. टाउ वेक्टर इक्वल टू m क्रॉस b. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द वर्क डन इन टर्निंग अ magnet of magnetic moment capital M by an angle of 90 degree from the meridian. Meridian means जो आपका magnetic axis होती है उसके along, तो यानी 0 से 90 degree आपने इसको rotate किया, is n times. तो इस केस में जो work done हुआ 0 से 90 के केस में वो n times था corresponding work done to turn it through the an angle of 60 degree. तो जो 0 से 60 degree angle है, 0 से 60 डिग्री में जो वर्क डन करना पड़ा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो 0 से 90 है वो n टाइम्स है. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? n क्या होगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला, यस, वर्क डन इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. ओके, वैल्यू पुट करते हैं. वर्क डन W1 फर्स्ट केस में आप इसमें कह सकते हैं कि 0 से 90 के लिए MB cos 0 to cos 90 and what we get, W1 is equal to MB cos 0 1 cos 90 0. So this is the W1 work done, ठीक है, for this case. And what is W2 for 0 to 60, and it is MB cos 0 minus cos 60, and W2 is MB cos 0 is 1, cos 60 is half, and we get MB by 2. And here given कि जो n times है, this work done W1 is n times of W2. Then आप compare कर सकते हो कि n की value क्या होगी. आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियर. अ लॉन्ग मैग्नेटिक नीडल ऑफ लेंथ 2L, मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M एंड पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m यूनिट, जो भी यूनिट होगी इसकी, इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस एट द मिडल. द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस विल बी, यस, अब बीच से इसको ब्रेक कर दिया गया. देन मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाइक दिस, कि ये आपका बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल m है, और इस तरीके से इसको बीच में ब्रेक कर दिया गया, इस तरीके से कट कर दिया. तो अगर इस तरीके से ब्रेक किया गया तो पोल स्ट्रेंथ तो नहीं चेंज होगा, ये पोल स्ट्रेंथ नहीं चेंज होगा. अगर मैं ऐसे कट करता तो पोल स्ट्रेंथ हाफ होता. इस तरीके से लेंथ हाफ होने से, क्योंकि एम का फॉर्मूला स्मॉल एम इंटू 2L, ये हमारा अगर 2L है, कट करके L कर दिया तो ईच पार्ट का लेंथ L हो गया ना. तो लेंथ हाफ होने से मैग्नेटिक मोमेंट जो है, जो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट m डैश है वो m बाई 2 हो गया, बट जो पोल स्ट्रेंथ m डैश है वो m ही रहेगा इस केस के लिए. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? m बाई 2 एंड m. तो पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. बार मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला. यस, मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है तो हम मेंशन कर देते हैं. हमें m गिवन है 2 × 10⁴, ओके, जूल पर टेस्ला. इज फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको रोटेट कर सकते हैं. और हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज b इज इक्वल टू 6 × 10⁻⁴ टेस्ला. यस, the work done in taking the magnet slowly from a direction parallel, initially θ1 0, to a direction θ2 60. तो अभी हमने इस तरीके से एक फॉर्मूला स्टडी किया है, एक न्यूमेरिकल किया है, बस वैल्यू पुट करनी है. एंड व्हाट इज द वर्क डन, हमें W फाइंड करना है वर्क डन. एंड फॉर्मूला इज MB cos θ1 minus cos θ2 एंड पुट द वैल्यू. वर्क डन इक्वल टू m, m आपको 2 × 10⁴ गिवन है, b 6 × 10⁻⁴ गिवन है, एंड cos θ1 यानी cos 0 माइनस cos 60 आपको करना है एंड द कैलकुलेशन करना है आपको। तो येस 2 6 ये 12 हो गया, 10 की पावर 4 और -4 तो कैंसिल हो गया, 10 की पावर 0 cos 0 1 माइनस हाफ यानी हाफ आएगा, 12 इंटू हाफ ये आपको 6 मिल जाएगा, ऑप्शन सी 6 जूल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 2 similar bar magnet P and Q each of magnetic moment capital M are taken if P is cut along the axial line and the Q is cut along the equatorial line। तो 2 बार मैग्नेट है, ठीक है, तो एक ये बार मैग्नेट है और एक ये बार मैग्नेट है, एक को कट किया गया along the axial line ऐसे और एक को कट किया ऐसे equatorial line and all the 4 pieces obtained have। तो देखो ये जो along the axial line किया तो इसमें आपका pole strength भी हाफ हो जाएगा, इस तरीके से pole strength भी हाफ हो जाएगा, लेंथ वही रहेगा, तो लेंथ वही रहा लेकिन पोल स्ट्रेंथ हाफ होने से मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया। इस केस में लेंथ हाफ हो गया लेकिन पोल स्ट्रेंथ वही रहा, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ वही रहा बट लेंथ हाफ हो गया, तो इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा जो है m/2 इन बोथ द केसेस हुआ, यानी अगर आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स मिल रहे हैं, ये 2 पार्ट एक्सिस के अकॉर्डिंग कट करने पे और ये ट्रांसवर्सली कट करने पे, तो यानी सभी पार्ट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो m/2 होगा। नाउ क्वेश्चन 17, फिगर शोज 2 स्मॉल आइडेंटिकल मैग्नेटिक डायपोल ए एंड बी। ओके डायग्राम में गिवन है आपको, ये है और ये भी है, आइडेंटिकल है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी कैपिटल M है इसका भी कैपिटल M है, सेपरेटेड बाय 2d डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया गया है एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P मिडवे। तो जो पॉइंट P है वो मिडवे है, यहाँ पर इन बिटवीन है, इधर से इधर के सेंटर के बीच में है, ठीक है, ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे हम, तो ये मिडवे है, ठीक है। डायपोल एक्चुअली में बहुत स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल डायपोल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, कि यहाँ पर जो मिड पॉइंट है वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो फॉर द स्मॉल डायपोल और ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो फार्मूला जो हमारा होता है, जो हमारे कोर्स में फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, B एट द एक्सिस यानी B एक्सेल का फार्मूला μ0/4π, जैसे E एक्सेल की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो B एक्सेल का बस एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो μ0/4π जबकि वहाँ 1/4π नॉट था, 2 टाइम्स ऑफ डायपोल मोमेंट यानी कि m और डिस्टेंस का क्यूब, तो डिस्टेंस x का क्यूब, ये B एक्सेल का फार्मूला है, जबकि B इक्वेटोरियल का जो फार्मूला है वो आपका μ0/4π वो m/डिस्टेंस का क्यूब है। तो ये फार्मूला यूज़ करना और वैल्यू पुट करनी है। तो डिस्टेंस यहाँ से भी d है और यहाँ से भी d क्योंकि ये 2d और मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पुट करते हैं तो जो हमें यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा, अब देखो एक्सिस के लॉन्ग यहाँ जो B1 कह रहा हूँ, ठीक है, ये B1 तो ये तो इधर होगा एक्सिस के लॉन्ग और इसके अकॉर्डिंग ये इधर परपेंडिकुलर होगा, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो B1 B2 के वजह से होगा और वो होगा जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो अंडर रूट में B1 का स्क्वायर यानी B एक्सियल की वजह से प्लस B2 का स्क्वायर और कॉस 90 जीरो होता है, 2 टाइम्स ऑफ B1 B2 कॉस 90 जीरो होता है। तो यानी कि आपको यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब इसमें हम अगर x का d पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, μ0/4π 2m d का क्यूब मिलेगा और यहाँ पर μ0/4π m d का क्यूब मिलेगा। तो मैं अगर इसको b इक्वेटोरियल को b कह देता हूँ, अगर ये b है ये तो 2 टाइम्स ऑफ b होगा, वैल्यू पुट कर सकते हैं आप कि मैंने B1 को 2B कहा क्योंकि B2 को B है, तो 2B का स्क्वायर 4B स्क्वायर और B2 तो B है तो B का स्क्वायर एंड वी गेट रूट 5 टाइम्स ऑफ B और B ये रहा, तो रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा, D, तो D इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 2 short magnets ऑफ इक्वल डायपोल मोमेंट कैपिटल M आर fastened perpendicularly at their center, find the net magnetic moment of the system। ये सिस्टम है और नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपको जाहिर बात है दोनों आइडेंटिकल हैं, तो आपका ये जो साउथ टू नॉर्थ ये डायरेक्शन m1 वेक्टर का होगा, ठीक है, और ये साउथ टू नॉर्थ ये m2 वेक्टर का होगा, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो ये आएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट। एंड व्हाट इज वैल्यू, तो आपको पता है कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर होता है। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड के टर्म में देखें तो m नेट क्या होगा, अंडर रूट में m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है और थीटा की वैल्यू आपको क्लियर दिख रही है 90 डिग्री है दोनों के बीच में। तो हमें जो m नेट वैल्यू मिलेगी वो अंडर रूट में m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर होगा। और अगर m1 m2 सेम आइडेंटिकल है तो फिर यहाँ पर m1 भी m हो गया m2 भी m हो गया, तो ये आपको मिल जाएगा रूट 2 टाइम्स ऑफ m। और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो जो नेट आएगा वो 45 डिग्री यहाँ से एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से बनाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन टेम्परेचर गिवन है। तो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली होती है, तो इसका मतलब रेशो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी जो होती है टेम्परेचर के इन्वर्सली होती है। और रेशो के टर्म में कहें तो काई एक यानी मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी की जो रेशो है एट डिफरेंट टेम्परेचर वो इस तरीके से T2/T1 लिख सकते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करके वैल्यू आ जाएगी। तो हमें गिवन है कि 300 केल्विन पे हमें ये 1.2 10^4 गिवन है। एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम 1.44 10^5, किस टेम्परेचर पे होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं कि 1.2 × 10^5 जो है ओके ये वैल्यू है, और हमें दूसरी वैल्यू गिवन है 1.44 10^5 ठीक है। और ये जो फर्स्ट वैल्यू जो गिवन है वो 300 केल्विन पे और T2 हमें फाइंड करना है, और ये T1 हमें 300 केल्विन गिवन है। याद रखना है कि इसको डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में जरूर कर देना, इसमें कन्वर्ट तब कैलकुलेट करना आप। देन T2 इज इक्वल टू आपका क्या होगा, T2 इज इक्वल टू 300 टाइम्स 1.2 देखो 10^5 तो कैंसिल हो गया अपॉन 1.44 यस T2। अब आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है यस 144। तो अब इसके आगे की कैलकुलेशन आप करके टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव व्हेन इट इज कूल टू वेरी लो टेम्परेचर। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो टेम्परेचर पे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड ही नहीं करती, इनकी मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी कांस्टेंट रहती है। तो चाहे कूल डाउन करो या टेम्परेचर इंक्रीज करो नो चेंज, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा। आप कहेंगे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती, तो मतलब नो चेंज ठीक है। नाउ बी, वाई डज अ पैरामैग्नेटिक सैंपल डिस्प्ले ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन व्हेन इट इज कूल। जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है उनका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होती है। फॉर्मूला, तो जो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी वो टेम्परेचर के इन्वर्सली होती है और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होगी, इसलिए वो ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं। नाउ क्वेश्चन 21, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज विच डिस्टिंग्विश बिटवीन द पैरा एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको मैंने थ्योरेटिकल वीडियो में बहुत सारे डिफरेंस बताए थे, इसमें से दो कोई भी याद रखो आप। सिंपल एक तो डेफिनेशन सही कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो फीबली मैग्नेटाइज होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जबकि पैरा क्या होते हैं वो फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो डायमैग्नेटिक हैं वो फीबली रिपेल होंगे और जो पैरामैग्नेटिक वो फीबली अट्रैक्टेड होंगे। एंड बात करेंगे इसकी मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी की, तो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी डायमैग्नेटिक की नेगेटिव में वेरी स्मॉल होती है और पैरा की पॉजिटिव में वेरी स्मॉल होती है। दो डिफरेंस हो गए, और डिफरेंस में एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप। डायमैग्नेटिक में आपका यस सिल्वर गोल्ड और पैरा में यस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, तो इस तरीके से टू डिफरेंस आप लिख सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, आउट ऑफ द 2 मैग्नेटिक मटेरियल ए हैज़ रिलेटिव परमिबिलिटी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। देखो रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करते हैं, म्यू म्यू नेगेटिव किसी का नहीं होता यस म्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 होगा तो डायमैग्नेटिक है, और ग्रेटर देन 1 है तो आपका पैरा है ठीक है। वाइल बी हैज़ लेस देन 1 आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मटेरियल ए एंड बी। तो क्लियर हो गया कि जो म्यू है वो यानी मैग्नेटिक परमिबिलिटी नेगेटिव नहीं होती, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, यानी जो म्यू की वैल्यू है म्यू आर ये नेगेटिव नहीं होता, जबकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की रेशियो होती है आपकी आई अपॉन एच, आई आपका इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन है, तो ये नेगेटिव हो सकता है। हमारी बात यहाँ पर रिलेटिव परमिबिलिटी की हो रही है, तो ग्रेटर देन 1 है तो यानी कि वो आपका मटेरियल कौन सा है जिसकी ग्रेटर देन 1 है, वो पैरा है, और लेस देन 1 मीन्स वो डायमेटिक मटेरियल है। विल द ससेप्टिबिलिटी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जिसका ग्रेटर देन 1 है तो उसका तो पॉजिटिव हुआ और जिसका लेस देन 1 यानी डायमेटिक उसका नेगेटिव होगा। क्लियर। क्वेश्चन 23, अ शॉर्ट बार मिनट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 जूल, तो मैग्नेटिक मोमेंट 0.32 जूल पर टेस्ला, प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू 0.15 टेस्ला गिवन है। ओके, इफ बार इज फ्री टू रोटेट इन अ प्लेन ऑफ द फील्ड विच ओरिएंटेशन विल करस्पॉन्ड टू स्टेबल, तो आपको पता है टाउ का फॉर्मूला mb sin थीटा, और स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि टाउ 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जब थीटा 180 होगा तो अनस्टेबल। तो आंसर है फॉर द स्टेबल थीटा इज 0, फॉर द अनस्टेबल थीटा 180 होना चाहिए, दोनों केस में टाउ 0 आएगा यानी इक्विलिब्रियम में, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फॉर्मूला u इज इक्वल टू माइनस mb cos थीटा होता है। तो फर्स्ट केस में u इसको माइनस mb cos 0 1 यानी कि माइनस mb, यस, मिनिमम एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। वेयर एज u2 आप देख सकते हैं वो आपका माइनस mb cos 180, और cos 180 आपका -1 होता है, तो cos 180 -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस mb, और जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वो करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अ शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल इज प्लेस एट द ओरिजिन विद इट्स डायपोल मोमेंट डायरेक्टेड अलोंग द प्लस एक्स एक्सिस इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी इज, देखो एक्स एक्सिस पे है, आर कॉमा 0 मीन्स एक्स वाला टर्म है और वाई वाला टर्म 0 है, यानी एक्स एक्सिस पे है, इज बी आई कैप। ओके, बी आई कैप, देन फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड इंडक्शन एट Q 0,2 आर, तो देखो x वाला टर्म 0 है, y वाला टर्म है, यानी कि y एक्सिस पे फाइंड करना है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला, ये शॉर्ट बार मैग्नेट है, अगर आप देखें तो एक्सियल पे ये अगर आपका बी आई कैप है तो बताओ इक्वेटोरियल पे क्या होगा। ठीक है, इक्वेटोरियल पे वो भी पॉइंट आपका Q है और Q के कोऑर्डिनेट 0,2 r है और यहाँ पर कोऑर्डिनेट r,0 है, तो यानी कि एट आर, यानी कि हमें गिवन है बी एक्सियल, का फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ m अपॉन डिस्टेंस का क्यूब। अब हमें डिस्टेंस क्या गिवन है यहाँ से, r,0 मीन्स r है अलोंग द एक्सिस पे, एक्सियल पे, तो यही हमें b गिवन है, b एक्सियल हमें b गिवन है, ये b मेंशन है हमें, बस डायरेक्शन के साथ है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m आर क्यूब, यानी ये वैल्यू हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है एट पॉइंट Q यानी इक्वेटोरियल पे। तो b इक्वेटोरियल क्या होगा, b इक्वेटोरियल इसका हाफ होता है, तो b इक्वेटोरियल जो होता है वो b एक्सियल का हाफ होता है। ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूले से पहले फॉर्मूला रख देते हैं और फिर वैल्यू पुट करते हैं। तो जो b इक्वेटोरियल है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m की जगह हाफ हो गया, m कर दिया, और डिस्टेंस का क्यूब, और डिस्टेंस क्या है 2r, यहाँ पे डिस्टेंस 2r का क्यूब कर दिया, तो हमको मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन 8r क्यूब। अब ये देखो ये आपका b है, तो b का टोटल क्या होगा, आप इसको मॉडिफाई करो इस टर्म में, तो 1/8 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ 2m होना चाहिए, तो यहाँ 2m से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ये आपका 1/16 ऑफ टाइम्स b हो गया, तो ये b/16 हो गया। ओके, ये b/16 आपका आंसर होगा, और डायरेक्शन क्या आपको पता ही है। क्वेश्चन 25, द मैग्नेटिक फील्ड at point x on the axis of small bar magnet is equal to the field at point y. तो at point x जो है वहाँ पे जो magnetic field है due to small bar magnet equal to y है on the equator. तो ये axis पे है और y equator पे है. अभी जो concept पढ़ा वही. Find the ratio of distance of x and y from the center of bar magnet. Yes. तो center से find करना और अभी हमें क्या है value given है कि जो हमारा b axial की value है वो x distance के लिए वो इक्वल है जो कि y डिस्टेंस के लिए इक्वेटोरियल के लिए. तो जो b एक्सियल का फॉर्मूला है हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m और x के लिए x क्यूब हो गया और b इक्वेटोरियल का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन y क्यूब. ओके, और हमें क्या गिवन है कि दोनों वैल्यू इक्वल है. डिस्टेंस तो नहीं इक्वल होगा बट पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ से x है एक्सेस पे और यहाँ से y वर्टिकली y इक्वेटर पे. तो ये इक्वल होगा और इक्वल तब होगा यानी दोनों को इक्वेट कर देते हैं कि दोनों की वैल्यू इक्वल है. तो आप देख सकते हैं जब इक्वेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू इक्वल है. तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m एक्स क्यूब इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन वाई क्यूब. तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, तो 2 अपॉन x की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन y की पावर 3 एंड वट वी गेट. आपको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा जो x की पावर 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू y की पावर 3 एंड टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड तो आपको जो x मिलेगा वो 2 की पावर 1 बाय 3 टाइम्स ऑफ y मिलेगा. ओके, ये रिलेशन हमारा x एंड y में हमने डिटरमाइन कर लिया. तो इसके साथ आज हमने वन शॉट में 25 क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर 5 के. ठीक है, चैप्टर 5 की थ्योरी अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद और भी क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं और जल्दी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 6 के वन शॉट वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे. थैंक यू.